तो अब देखिए, आज से आप लोगों के लिए एक नया लेसन स्टार्ट होगा, लेसन नंबर 13, और ये आपके लिए एक पोईम है, तो बहुत अच्छी पोईम है ये भी। पोईम का नाम है फॉरेस्ट एंड रिवर। तो इसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 190 पर आ जाएं, 119 नंबर पेज पर आ जाएं। और पोईम को पढ़ने से पहले एक बार आप लोग अगर अबाउट द पोईम को देख लेते हैं, इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 121 पर, 121 नंबर पेज पर आ जाएं, तो वहाँ इस पोईम के बारे में कि इस पोईम में किस तरीके का वर्णन है वो आपको सब कुछ पहले मिल जाएगा। अगर आप उसे समझ करके फिर पोईम को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको पोईम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले अबाउट द पोईम में देखें कि द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज, हेज आप लोग यूज़ करते हैं जो मेड़ होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, जो गांव में खेत होते हैं तो खेत में दो खेतों के बीच में जो पैदल चलने का रास्ता होता है उसे मेड़ कहते हैं, जो सीमा होती है दोनों खेतों की, जो बाउंड्री होती है। तो उसके लिए यूज़ किया गया है कि द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज। तो अगर आप खेत में एक मेड़ पर खड़े हुए हैं और वहाँ से किसी दूसरी मेड़ को देखते हैं तो वो कह रहा है कि द ग्रास ऑन द अदर साइड, कि दूसरी तरफ की जो घास होती है ऑफ द हेज मेड़ की लुक्स ग्रीनर, वो ज़्यादा हरी दिखाई देती है। कुछ लोग इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो दूसरे कोई पर्वत की जो घास होती है वो जिस पर आप खड़े हुए होते हैं वहाँ से ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो ये किसी भी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज लुक्स ग्रीनर, वो ज़्यादा हरी दिखाई देती है। इसका कुल मिलाकर के अर्थ ये होता है कि जो वस्तु अपने पास है उसका महत्व हमें इतना ज़्यादा नहीं लगता, किसी दूसरे के पास अगर वही वस्तु है तो वो ज़्यादा अच्छी दिखती है। अब ये जो बात है वो किसके संदर्भ में कही गई है, ये बात है फॉरेस्ट एंड रिवर को लेकर के यहाँ कही गई है। तो इस पूरी पोईम में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो नदी होती है उसे अपने जीवन से शिकायत होती है कि मेरा जीवन कितना ख़राब है, हमेशा भागती रहती हूँ, कभी एक मिनट का आराम नहीं है, एक मिनट की शांति नहीं है। और जो जंगल होता है जिससे कि हमेशा एक जगह पर खड़े रह कर के जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है, और वो अपने इस जीवन से दुखी है, वो ये कहता है कि मेरे जीवन में लिखाई क्या है, बंदी बन करके रह गया हूँ एक स्थान पर, पृथ्वी का बंदी बन करके मुझे एक स्थान पर रख दिया है, ना कहीं घूम सकता हूँ ना जा सकता हूँ। तो इस तरीके से जो दोनों के जीवन हैं उन्हें अपने एक दूसरे के जीवन में, फॉरेस्ट को नदी के जीवन में और नदी को जंगल के जीवन में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद के जीवन से दोनों असंतुष्ट रहते हैं। तो वही स्टोरी है कि द फॉरेस्ट एनवीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एनवीज मतलब ईर्ष्या करना, जलन करना, कि जो जंगल होता है वो जलन करता है द फ्रीडम, स्वतंत्रता से, ऑफ मूवमेंट घूमने फिरने की, दैट द रिवर एन्जॉयस जिसका कि नदी आनंद लेती है। तो नदी को जो जीवन मिलता है घूमने फिरने का, जंगल उस जीवन से जलन रखता है। जलन रखने का मतलब कि उसे वो जीवन अच्छा लगता है लेकिन खुद का जीवन ऐसा नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन से जलन रखता है। दैट द रिवर एन्जॉयस एंड रिग्रेट्स इट्स ऑन डेस्टिनी, और रिग्रेट करता है और उसे दुख होता है, पश्चाताप होता है, इट्स ऑन डेस्टिनी अपने भाग्य पर, ऑफ रिमेनिंग चेंड टू वन प्लेस, ऑफ रिमेनिंग रहने के, चेंड बंद करके, बंदी बन करके रहने के, टू वन प्लेस यानी एक स्थान पर बंद करके रहने के, अपने जीवन से उसे, अपना जीवन जो होता है वो उसे बुरा लगता है, और नदी का जो घूमने फिरने का जीवन होता है वो उसे बहुत अच्छा लगता है। द रिवर ऑन द अदर एंड, अगर दूसरी ओर नदी की बात करें तो एनवीज द मैजेस्टिक सेक्लूशन, तो जो नदी होती है उसे जो राजसी एकांतता मिलती है, मैजेस्टिक सेक्लूशन जंगल के पास क्या है, एकांत है, तो जो जंगल को मैजेस्टिक सेक्लूशन मिलता है उससे वो जलन करता है, दैट द फॉरेस्ट एन्जॉयस जिसका जंगल आनंद लेता है। तो इट कंसीडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस, तो नदी को उसका जीवन अच्छा लगता है और अपने जीवन को वो मीनिंगलेस मानती है, निरर्थक। इट कंसीडर्स यानी नदी शामिल करती है
इट्स जर्नी अपने जीवन को मीनिंगलेस निरर्थक में। इट लॉन्ग्स फॉर द काम एंड रेस्ट। इट लॉन्ग्स यानी जो नदी होती है उसकी इच्छा होती है, लॉन्ग फॉर का मतलब कामना करना, इच्छा करना, तो इट लॉन्ग्स फॉर द काम एंड रेस्ट, क्या ये शांति की और आराम के जीवन की इच्छा करती है। गिफ्टेड टू द फॉरेस्ट, जो जंगल को तोहफे के रूप में मिलता है। दस द फॉरेस्ट एंड रिवर सी देम सेल्फ, और इस प्रकार से जो नदी और जंगल होते हैं, सी देम सेल्फ्स, दोनों एक दूसरे को देखते हैं इन द इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की इमेज में। तो दोनों कामना करते हैं कि काश मेरे पास नदी वाला जीवन होता, और नदी करती है कि काश मेरे पास जंगल वाला जीवन होता। वॉट शुड अ मैन डिज़ायर टू बी अ फॉरेस्ट और अ रिवर। अब यहाँ जो प्रॉब्लम एक तीसरे व्यक्ति के लिए बनती है कि अगर कोई रागीर नदी के पास में खड़ा हुआ होता है, अगर कोई रागीर जंगल के पास में खड़ा हुआ होता है, तो जंगल के पास में कोई अगर रागीर होता है तो वो जंगल की बात माने, या नदी के पास जो खड़ा हुआ होता है वो नदी की बात माने। मतलब एक रागीर को इन दोनों में से कौन से जीवन पर चलना चाहिए, क्या स्थिर रहकर के जीवन को जीना ठीक होता है या चलायमान स्थिति में जीवन को जीना ठीक होता है, तो ये एक रागीर की दुविधा होती है। उसको भी बताया है कि व्हाट शुड अ मैन डिज़ायर, कि आदमी को क्या इच्छा करनी चाहिए टू बी होने की अ फॉरेस्ट और अ रिवर, कि आदमी को और नदी और जंगल के बीच में से किस प्रकार का होने की इच्छा करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो कहानी है कविता की वो आपको समझ में आ गई होगी कि ये कविता किसके बारे में। और इसके बाद अगर आप आ जाएंगे पोइम पर, तो इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 119 पर, और सबसे पहले ऊपर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा गया है, आप उस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में रखते हुए पोइम को पढ़ेंगे तो आपको पोइम अच्छी समझ में आएगी। क्वेश्चन है कि द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर मेक्स द पासर बाई, डायलॉग मतलब संवाद, बातचीत, नदी और जंगल के बीच की जो बातचीत है, मेक्स द पासर बाई अ मैन डाउट, किसी भी आदमी को संदेह में ला देती है। द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की उपस्थिति, वॉट दोज डाउट्स आर, अब वो संदेह क्या हैं वो आपको इस पोएम को पढ़ करके समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ जो फॉरेस्ट वाला संवाद है वो बताया जाता है कि जंगल किस तरीके से कहता है। तो पहले फॉरेस्ट की बात है कि आई विश आई वर लाइक यू, जंगल कहता है कि आई विश, मेरी इच्छा है काश आई वर लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह होता। तो जंगल यहाँ किसकी तरह होने की कामना कर रहा है, नदी की तरह। यू का मतलब यहाँ किससे है, नदी से। आई का मतलब किससे है, फॉरेस्ट से। तो वो कह रहा है कि आई वर लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह होता, मतलब फॉरेस्ट नदी की तरह होता। यहाँ जो दूसरी बात है, सामान्य अवस्था में आप लोगों ने देखा होगा कि पास्ट में हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आपको आई के साथ वर का यूज़ मिल रहा है। तो ये कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप आई के साथ वर का यूज़ करते हैं, जब बात रियलिटी में नहीं होती, जब सत्यता में बात नहीं होती और बात केवल कल्पना में चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप आई के साथ वर का यूज़ करते हैं। सब्जंक्टिव मूड है ये। तो वो क्या कह रहा है कि आई विश आई वर लाइक यू, काश मैं तुम्हारी तरह होता। अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरह हो नहीं सकता। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इतने नंबर ला देता, तो मैं तुम्हारी जगह पर हो नहीं सकता। तो आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो मैं तुम हो नहीं सकता। तो ये केवल कल्पना की बातें होती हैं, और काल्पनिक लोक में तो नियम वैसे ही फेल हो जाते हैं। आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन कल्पना में चले जाएंगे तो आई के साथ वर का यूज़ होगा। हाँ, अब देखिए, तो वो कहता है कि आई विश आई वर लाइक यू, काश मैं तुम्हारी तरह होता, सेड द फॉरेस्ट, जंगल ने बोला। टू द रोअरिंग रिवर, रोअरिंग वर्ड का यूज़ यहाँ किसके लिए किया गया है, कि जब नदी बहती है तो जो आवाज़ आती है, तो इसके लिए यूज़ किया गया है कि दहाड़ती हुई नदी से कहा, जो कलकल की आवाज़ करते हुए जो नदी बह रही है, तो क्या करता मैं कि ऑलवेज ट्रेवलिंग, हमेशा यात्रा करता, ऑलवेज साइट सीइंग, हमेशा सैर सपाटा करता। तो पूरी बात हो गई, वो कहता है कि काश मैं तुम्हारी तरह होता, रोअरिंग रिवर ये दहाड़ती हुई नदी से कहता है, तो मैं हमेशा, मैं भी ट्रैवलिंग करता, मैं भी हमेशा सैर सपाटा करता। रसिंग टुवर्ड्स द प्योर डोमेन, रसिंग भागता, टुवर्ड्स द प्योर डोमेन, डोमेन का मतलब होता है प्रभावी क्षेत्र।
हालांकि अगर आपके लिए चाहिए तो नंबर एक पे मीनिंग भी लिखा है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे आप किंगडम भी कह सकते हैं। तो रसिंग टुवर्ड्स द प्योर डोमेन, पूर्ण प्रभावी क्षेत्र की ओर भागता, ऑफ द सी समुद्र के, द किंगडम ऑफ वाटर जो कि पानी का साम्राज्य होता है, वाटर पानी के लिए, फिर आगे बताता है पानी को वो क्या मानता है, यानी वो कहना चाहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी अपने प्रभावी क्षेत्र की ओर भागता। मेरा प्रभावी क्षेत्र यानी आपको पता है कि हर एक जो नदी होती है वो अंत में जाकर के समुद्र में मिलती है, तो वो उसका प्रभावी क्षेत्र है, तो मैं भी सैर सपाटा करता हुआ प्रभावी क्षेत्र की ओर दौड़ता, और जो कि पानी का साम्राज्य होता है, और उस पानी का साम्राज्य होता है पानी क्या मानता है वो, कि द पैसनेट विग्रस स्पिरिट ऑफ लाइफ, पानी को वो भाव प्रवण शक्तिशाली आत्मा मानता है ऑफ लाइफ, जीवन की। तो वो कहता है पानी जो कि भाव प्रवण और शक्तिशाली आत्मा होती है जीवन की, और सही भी है, पानी जीवन की आत्मा होती है। द लिक्विड टॉर्कॉइस ऑफ लाइट, टॉर्कॉइस के लिए नंबर दो पे देख लें जो वर्ड यूज़ किया है, अ ब्लू और ग्रीनिस ब्लू सेमी प्रेसियस स्टोन, तो जो सेमी प्रेसियस स्टोन होता है हल्का सा जो नीलापन लिए हुए होता है, ये इसलिए इसके लिए यूज़ किया है कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि नदी के ऊपर जब लाइट गिरती है तो पानी नीला नीला दिखाई देता है, तो वो कहता है कि द लिक्विड टॉर्कॉइस ऑफ लाइट, लेकिन ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए उसने कहा है कि ये। अब टॉर्कॉइस को अगर आप रत्न की भाषा में देखेंगे तो इसे बोलते हैं फिरोजा, तो जो फिरोजा रत्न होता है जैसे आप लोगों ने जो उंगलियों में पहनने वाले जो रत्न सुने होंगे, तो उस टाइप का वो कहता है कि द लिक्विड टॉर्कॉइस ऑफ लाइट, लेकिन ये तरल फॉर्म में है, इसलिए ये क्या कह रहा है कि ये तरल फिरोजा है ऑफ लाइट, प्रकाश का, विद इटर्नल फ्लो, अनंत बहाव वाला, तो अनंत बहाव वाला तरल फिरोजा है प्रकाश का, या आप इसे ये कह सकते हैं कि द पैसनेट विग्रस स्पिरिट ऑफ लाइफ, कि ये भाव प्रवण शक्तिशाली आत्मा है जीवन की। इतना जो जंगल होता है वो नदी के बारे में कहता है और नदी की जो सुंदरता है उसका वर्णन करता है कि तुम्हारे लिए तो जीवन बहुत अच्छा है।